त्रिपक्षीय वार्ता हुई। फील 224 एकड़ जमीन का एक बार में अधिग्रहण करने की मांग की और सेल प्रबंधन के वादा खिलाफी को लेकर पिछले 5 दिनों से तासरा रेहराबाड़ ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय ग्रामीण सेल के तासरा ओपन कास्ट परियोजना का चक्का जाम किए हुए हैं। वहीं आज 5वें दिन झरिया सीओ ग्रामीण सेल प्रबंधन के अधिकारियों के बीच घंटों चली त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई। वहीं वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने झरिया सीओ के समक्ष सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली, साथ ही सेल प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने तक परियोजना का चक्का जाम करने की बात कही। वहीं दौरान प्रेस वार्ता में उपस्थित सेल के अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। रहितों का कहना है कि हम लोग का जो कंपनी के द्वारा जो माइनिंग कार्य किया जा रहा है उसमें डीजीएमएस का जो रूल है उसको पूरा फॉलो नहीं किया जा रहा है, और आसपास का जो इलाका है उसमें उसके घरों में दरार आई है, स्कूल है और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और जो उन लोग का भूमि का अधिग्रहण होना है और कुछ लोगों का जो बिना अधिग्रहण किए कंपनी के द्वारा खुदाई करना और कंपनी के द्वारा ओवी डंप किया जाना, इसके लेकर लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। और लोगों का कहना है कि जब तक ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे रहे। वार्ता हुआ सर, क्या कुछ वार्ता में ये निष्कर्ष नहीं निकला। कंपनी के द्वारा सेल प्रबंधन के द्वारा बताया जा रहा है कि 6 महीना के अंदर हम लोग MDO अपॉइंट करेंगे और MDO अपॉइंट होने के बाद भू अर्जन की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ करेंगे, तब फिर हम लोग पेमेंट के लिए जो अर्जन की कार्रवाई है वो पूरा करेंगे। रैयतों का कहना है कि 2017 में भी, 15 में भी, 18 में भी विभिन्न दौर की वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में सेल प्रबंधन के द्वारा समय की मांग की गई और आश्वस्त किया गया, लेकिन कोई भी सकारात्मक उसमें परिणाम नहीं निकला है। तो इसी को लेकर लोगों में आक्रोश अभी भी है कि यदि समय की 6 महीना जो समय बताया जा रहा है सेल प्रबंधन के द्वारा, उस 6 महीना में क्या यह संभव है या कैसे इसको हम लोग माने कि कंपनी करेगी। क्या ग्रामीण वार्ता से सहमत नहीं हुए? हाँ, ग्रामीण वार्ता से सहमत नहीं हुए। प्रोजेक्ट अभी बंद रहेगा? प्रोजेक्ट के बारे में अब अपनी जो हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि किस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे। सीओ साहब आए हुए थे और सेल के सीजीएम साहब आए थे और टासरा प्रोजेक्ट के उपेंद्र सिंह जी आए थे और बाकी सभी ग्रामीण मजिस्ट्रेट किए थे तो वो भी थे। क्या कुछ बात हुआ आप लोगों के बीच में? बात हुआ, ग्रामीण अपना समस्या सारा चीज़ बताया है सीओ साहब को, लेकिन सीओ साहब का कहना है कि लास्टली कि आप लोग 6 महीने का टाइम दीजिए इन लोगों को, जो कि पहले से सेल मैनेजमेंट अगर हम लोग से पहले से ही टाइम मांग रहा था तो हम टाइम क्यों दें, क्योंकि पहले से वादा खिलाफी उनका खिलाफ है कि आप वादा खिलाफी के अनुसार ही हम लोग बंदी किए थे ये। और इनका कहना ये तो मान लीजिए हम लोग ने मांग किया था कि त्रिपक्षीय वार्ता। धरना का 5वां दिन है जी, धरना आगे जारी रहेगा, धरना कंटिन्यू चलती रहेगा, काम एकदम चक्का जाम पूर्ण, वार्ता विफल रहा क्योंकि हम लोगों ने त्रिपक्षीय वार्ता हम लोगों ने डिमांड किया था और जो आए हैं त्रिपक्षीय वार्ता लग रहा है कि सेल प्रबंधक ने मांग किया था उनको, अब वो सेल प्रबंधक की तरफ से वार्ता का डिसीजन दिए हैं, एकदम पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। वही बोलेंगे हम लोग, बोलने के लिए सक्षम नहीं, हम लोग सक्षम नहीं है, हम लोग सक्षम नहीं है। हमारा अरविंद हेम्ब्रम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे आप लोग संपर्क करिए, कंपनी का सभी जानकारी वो देंगे, ठीक है। हम लोग कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करते ग्रामीणों के साथ में। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।